रखा गया, इसलिए इलाज भी है कि बिजली की समस्या थी लेकिन उसका वेंटिलेटर नहीं चलने जैसी कोई बात नहीं थी, उसका मृत्यु से सीधा संबंध। 6 बच्चे वेंटिलेटर में थे जिसमें से 2 की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई। ये सच है कि वो एक क्लस्टरिंग में हुई है और बिजली की समस्या और वो संयोगवश एक ही समय को कोइंसाइड कर रहे हैं, लेकिन मृत्यु का समय 5:30 से 7:30-8 बजे के आसपास तक का है। और ये जो बच्चे हैं ये वाकई में इनकी स्थिति खराब थी, इसलिए ये SNCU में लाए गए थे। जैसे उन्हें भी लंग की और सांस श्वसन संबंधी श्वास संबंधी शिकायत थी और इसलिए ये क्लस्टर में जरूर हुए हैं, लेकिन बिजली की समस्या से इनका कोई सीधा संपर्क नहीं है क्योंकि वेंटिलेटर पे जो थे वो लगातार चलता रहा और मार्सुपियल सिस्टम और बाकी अन्य माध्यमों से जो भी इलाज का मेथड है वो निरंतर रखा गया। इसलिए इलाज भी है कि बिजली की समस्या थी लेकिन उसका वेंटिलेटर नहीं चलने जैसी कोई बात नहीं थी, उसका मृत्यु से सीधा संबंध नहीं है। बाकी बच्चे जो वेंटिलेटर पे चल रहे थे वो आज भी 4 बच्चे हैं अभी और उनका इलाज वैसे उसी गति से उसी निष्ठा के साथ तीव्रता के साथ किया जा रहा है। तो और डॉक्टर गौरी शंकर लगातार और सारे सिस्टर जो 6 के 6 वहाँ रहते हैं वो जो एक एक पे लगातार हर 5 मिनट में जाके वो देखते हैं, वो जो हमारी प्रक्रिया है SNCU की SOP के हिसाब से निर्धारित हमारा मापदंड के अनुसार वो इलाज की को निरंतर। 4 बच्चों की मृत्यु सुबह लगभग 5:30 से 8:30 के बीच में हुई है। 2 बच्चे वेंटिलेटर में थे, 2 बच्चे वार्ड में थे और बहुत नाजुक स्थिति में ये बच्चे रहते हैं। कोई अंडरवेट है, किसी का हार्ट का ट्रबल था, किसी को कंजेनिटल एस्फिक्सिया था, जन्म के समय से ही था। और जो बात आ रही है बिजली के नहीं रहने के कारण ऐसा हुआ, तो एक ये बात आई है कि जो पैनल था उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ। पहले 11 बजे उसको बनाया गया और दोबारा 1 बजे के आसपास उसको फिर से बनाया गया। दूसरा, जितने वेंटिलेटर बेड हैं इस सब में बैकअप फैसिलिटी है, जिस क्षण बिजली जाती है उस क्षण बैकअप चालू हो जाता है। तो ये बात सामने आई है कि पैनल जो था उसमें शॉर्ट सर्किट हुई। दूसरा, जिनकी ड्यूटी लगी है वो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।